Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially railway, NTPC, Group D, State PSC and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs. Before we know the some important news of our country, which is very important for the students. So friends, let's start. जैसा कि हम लोगों ने देखा सुना भी होगा कि थॉमस और उबर कप जो है ये कोरोना के कारण जो बैडमिंटन का ये है विश्व बैडमिंटन महासंघ ने डेनमार्क में होने वाली थॉमस और उबर कप को टूर्नामेंट को अगले साल 2021 तक स्थगित कर दिया है। तो ये स्टूडेंट के लिए एक निराशा बड़ा न्यूज है। इसके साथ आगे देखते हैं, पाकिस्तान एजेंसी की के लिए एक जासूस जो है उसको गिरफ्तार किया गया है विशाखापट्टनम जासूसी कांड में। उसके बाद पाँच साल में बनकर तैयार होगा हरियाणा का ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ये बनाया जाएगा जिससे एनसीआर दिल्ली एनसीआर की औद्योगिक विकास में रफ्तार मिलेगी और उसका जो रेलवे का दबाव जो है दिल्ली में पड़ता है उसको कम किया जाएगा। इसकी कुल लागत लगभग 5,617 करोड़ रुपये की है। इसको पूरा होने में लगभग 5 साल लगेंगे। ये मोदी जी का एक अच्छा बोल सकते हैं, मोदी जी का एक पसंदीदा ये एक योजना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए किया जा रहा है। तो ये कुछ जानकारियां थी। उसके साथ ही भारत पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है चीन के द्वारा, हर क्षेत्र से भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है लेकिन भारत मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। इसके साथ ही एडीबी ने भी अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान लगाया है। लगातार एसबीआई जितने भी रेटिंग एजेंसी है सभी लगातार जो है वैश्विक से लेकर स्टेट कंट्री तक का अर्थव्यवस्था में गिरावट का दर दर्शा दिया है, बतला दिया है। तो एडीबी ने भी अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है जिसमें 4% का गिरावट का अनुमान लगाया गया है और अगले साल 8% का विकास दर भारत में रहने की संभावना है, ऐसा बताया गया है एडीबी के द्वारा। तो ये थी कंट्री से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। तो जानते हैं आज के क्लास में क्या है खास, देखते हैं। पहला जो है इस चैप्टर या कंटेंट बोल सकते हो आप, क्वेश्चन ऑफ द डे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आज का इतिहास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतिहास के लिहाज से, जो भी स्टूडेंट्स इतिहास के वो जान सकते हैं, हिस्ट्री के या हिस्ट्री से जुड़ा हुआ जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें आने की संभावना बहुत बनी रहती है। उसके बाद मोटिवेशन लाइन है, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और अवार्ड द स्टेट्स है। तो देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या है खास उसमें जानते हैं विस्तार से। वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एक ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। भारतीय का जो डंका है हर जगह बज रहा है, तो ये पेटीएम तो इंडिया की कंपनी है तो अवश्य इंडियन ही इसमें ब्रांड एम्बेसडर बननी चाहिए। जिसमें बताया गया है कि लगभग गेमिंग जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उसमें 300 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना पेटीएम बना रहा है और पेटीएम की सहायक कंपनी जो है पेटीएम फर्स्ट गेम्स है उसी का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। पेटीएम ने कहा भी है कि सचिन अरबों क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय नाम है, इसलिए वह देश के रोमांचक फैंटेसी खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सिर्फ फैंटेसी क्रिकेट ही नहीं, वह पीएचजी के लोगों को बीच अन्य खेल मसलन कबड्डी फुटबॉल बास्केटबॉल को भी लोकप्रिय बनाने में मदद कर सकते हैं। तो उनके जो अधिकारी हैं मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ जो हैं सुधांशु गुप्ता के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया। तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1959 में न्यूयॉर्क के सरी नीदरलैंड होटल में पहली फोटोकॉपी मशीन जीरोक्स 914 का प्रदर्शन का प्रसारण टेलीविजन पर किया गया। इसका आविष्कार चेस्टर कार्लसन ने किया। यह 9 इंच चौड़े 14 इंच लंबे पेपर की नकल कर सकती थी। नेक्स्ट है आज ही के दिन 1916 में शास्त्रीय संगीत की महान रसाधिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंस तमिलनाडु में हुआ था। उनकी माँ से मनगुंडी श्रीनिवासन ने कर्नाटक संगीत की शिक्षा ली है। कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है जिसमें कुछ फिल्में भी है, मैं आपको बता दूँ
अच्छी खासी फिल्म उन्होंने किया है। और भक्त मीराबाई जैसे जैसे कुछ जानकारियां हैं मेरे पास भक्त मीराबाई जो मैंने सुना था उसको बता दूं तो उसमें उन्होंने अपना काम किया है। उन्हें भारत में संगीत नाटक अकादमी मैक्सेस आदि पुरस्कार मिले हैं। 11 दिसंबर 2014 को उनका निधन हो गया है। आज ही के दिन 1975 में पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता हासिल की। ये था आज का इतिहास। आगे देखते हैं मोटिवेशन लाइन। मेरा मानना है कि विफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरे भीतर सफल होने की इच्छा हो। यानी आप अनसक्सेस तब तक नहीं हो सकते जब तक आप सक्सेसफुल पर्सन बनने का आप में एक एक्साइटमेंट हो, एक बोल सकते हो आपकी एक लगाव हो, एक जुनून हो, तभी आप सफलता का सीढ़ी चढ़ोगे और असफलता कभी वापस आपको देखने को नहीं मिलेगी लाइफ में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप विफलता तब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आपके भीतर जो भी है सफलता की जो जुनून है या इच्छा है उसको आप जगाए रखो और अपना मेहनत लगातार करते रहो। तो बिल्कुल सही बात है कि बिना मेहनत का कोई फल नहीं मिलता है, एक तिनका भी हिलाया नहीं जा सकता है, तो ज़रूरी है। सो थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स। आज का क्लास में करंट अफेयर्स क्या है खास जानेंगे। टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में 10 जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेट पीएससी के लिए या रेलवे के लिए खास करके तैयार किया जा रहा है। रेलवे में जो 15 दिसंबर को होने वाली है रेलवे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन एनटीपीसी की, उसमें अवश्य ये सवाल पूछने की संभावना बनी है। देखते हैं क्या है पहला न्यूज। देश की 16 से अधिक भारतीय कंपनियों को अप्रैल 2016 से मार्च 2020 के दौरान चीन से 1.02 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि चीन में भारतीय कंपनियां किस तरह से अपना निवेश कर रही है। तो इससे हमें बचने की आवश्यकता है क्योंकि चीन जो है जिस तरह से धोखाधड़ी करता है हर देश के साथ, हर देश की कंपनियों के साथ, इससे हम लोगों को बचने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत ने यूएन के कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन चुनाव में चीन को हराकर सदस्यता हासिल की है। ये 2021 से 2025 तक ये सदस्यता उनकी भारत सरकार की रहेगी। तो एक बहुत ही बड़ी जीत है भारत की का यूएन में। नेक्स्ट देखते हैं वायु संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में मंजूरी मिली। अब किसी व्यक्ति ने विमान सुरक्षा के खतरे में डाला तो उन्हें 1 लाख की जगह 1 करोड़ तक खजाना भरना होगा। तो ये भारत सरकार के द्वारा एक नया डिसीजन लिया गया है जो बहुत ही कठिन है और बहुत ही कड़ा नियम बनाया लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यूट्यूब ने भारत में टिकटॉक जैसा यूट्यूब शॉर्ट्स ऐप लॉन्च किया है जिसमें शॉर्ट वीडियो आप बना सकते हो, शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस में डाल सकते हो और भी इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है। तो हर राज्य को इस तरह के इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि कोरोना को नियंत्रित किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जांच में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें और कोरोना को जल्द से जल्द देश से उखाड़ फेंकने का काम करें। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबरूम शहर में स्थापित किया जाएगा। तो ये उद्घाटन किया गया, देख सकते हैं ये शिलान्यास किया जा रहा है केंद्रीय मंत्री के द्वारा। ये पहला आर्थिक क्षेत्र जो है बनाया गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। हर राज्य में ये बने, ज़्यादा मात्रा में बने ताकि वहाँ विकास की पटरी दौड़ सके। नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर का करंट अफेयर्स। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कठुआ में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की नींव रखी है। जब जम्मू कश्मीर या लद्दाख यूनियन टेरिटरी का बना तब से लगातार वहाँ विकास की धारा बह रही है। तो बहुत अच्छा सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से वहाँ पर विकास को गति दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के विकास का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। तो प्राचीन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इसमें यूजीसी नेट में ये पूछने की संभावना बहुत बनी हो सकती है। तो इसको आप जरूर इसका नोट्स बनाएं ताकि ये समिति के द्वारा का जो एक बनाया गया गठन किया गया है इस तरह की समिति से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है, चाहे इन्वायरमेंट में हो या और अन्य कोई एग्जाम में भी पूछने की संभावना बनी है। इसको आप जरूर देखें। प्राचीन भारतीय संस्कृति यानी हेरिटेज
इंडियन कल्चर जो है उसका विकास का अध्ययन करने के लिए ऐसा समिति बनाया गया है, जिसके अध्यक्षता कौन है, प्रहलाद पटेल, ये केंद्रीय मंत्री भी हैं भारत के इंडियन कैबिनेट में। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के शुक्र ग्रह पर जीवन को संभव बनाने की वाली खोज की है। तो ऐसा पहली बार ऐसा खोज किया गया है जिसमें एक गैस पाया गया है जो शुक्र ग्रह पर जीवन को संभव बनाने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत बौद्ध धार्मिक स्थलों पर पर्यटन के बुनियादी ढांचे विकसित करेगी। तो ये लगता है भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान बोल सकते हो, टूरिस्ट पॉलिसी को देखते हुए भारत सरकार इस तरह का इनिशिएटिव लेकर लेकर आई है, जिसके माध्यम से स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत बौद्ध धार्मिक स्थलों पर पर्यटन की बुनियादी ढांचे विकसित की जाएंगे। यानी इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, इसको ग्लोबलाइज किया जा रहा है। ग्लोबलाइज करने मतलब वैश्वीकरण, जिसमें विश्व स्तर पर यहाँ पर सुविधाएं दी जाएगी लोगों को, टूरिस्टियों को, खास करके जो विदेश से आते हों या इंडिया के खुद हों या अन्य राज्यों से हो। तो ये थी Top 10 डेली करंट अफेयर्स। अब जानेंगे अबाउट द स्टेट्स के बारे में। तो आज का स्टेट्स क्या है, हरियाणा। हरियाणा का ये अब मैप देख सकते हैं, हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो भी देख सकते हैं कितनी है, 83.78। वहाँ का राजकीय फूल कमल है, राजकीय वृक्ष पवित्र पीपल है, राजकीय पक्षी काला तीतर है, राजकीय पशु ब्लैक बक है। पड़ोसी राज्य है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, हरियाणवी बोली जाती है। नदियाँ यमुना, घग्गर है, राजधानी चंडीगढ़ है, जिले वहाँ 21 हैं। वहाँ पर महिलाओं की संख्या जो 870, यानी वहाँ की सेक्स रेशियो बहुत ही खराब स्थिति है। विधानसभा क्षेत्र जो है 90 है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। संसदीय चुनाव निर्वाचन क्षेत्र जो है, यानी एमपी की सीटों की संख्या 10 है। मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर जी हैं, बीजेपी के वहाँ का सरकार है। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी हैं। आधिकारिक वेबसाइट www.haryanagovernment.in का है। स्थापना इसका 1 नवंबर 1966 को किया गया था। क्षेत्रफल जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। घनत्व जो है 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या जो है 2,53,51,462 है। पुरुषों की संख्या भी लगातार देख सकते हैं इस माध्यम से। तो ये थी हरियाणा से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ लेकर आए हैं। शोध कहता है कि ये स्त्रियों के द्वारा कुछ या स्त्रियों के लिए कुछ खास विशेष करके तैयार किया गया है। स्त्रियों के लिए वित्तीय योजना बनाना पुरुषों से ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि औसत तौर पर वे पुरुषों से 20% कम कमाती है। इससे उनकी बचत और रिटायरमेंट राशि कम होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार स्त्री पुरुष से 3 से 5 वर्ष अधिक लंबा जीवन जीती है। ऐसे में उन्हें वित्तीय योजना बनाकर चलाना ज़्यादा जरूरी है। तो यानी महिला यानी वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए और उनको फाइनेंशियल कंडीशन को उनके फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने के लिए एक ऐसा मतलब स्टेटमेंट जारी किया गया है, या आप बोल सकते हैं एक ऐसा रिसर्च किया गया है महिलाओं पर और महिलाओं को की सुरक्षा के लिए, उनके फ्यूचर के लिए ऐसा बनाया गया है, स्टेटमेंट तैयार किया गया है, या आप बोलो रिसर्च किया गया है। तो ये थी Top 10 डेली करंट अफेयर्स। आपका क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इस तरह की जानकारियाँ, इस तरह के सोशल कंटेंट का लाभ उठा सकें। सो थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको, और प्रेस करोगे बेल आइकन को, जब तक उनको दबाओगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो आप प्रेस आइकन दबाना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।